सब्सक्राइब करने के लिए फ्रेंड्स इस रेड बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही लगे इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। यहाँ से वीडियो को लाइक और यहाँ से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खरीद से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसको अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका फजूल का जो इंटरनेट है वो उसकी बचत हो जाएगी, वो फजूल में आपका इंटरनेट ज़ाया नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वाईफाई के अलावा कोई किसी सिम पे अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उस सिम पे आपका इंटरनेट ऐसे फजूल में ज़ाया होता है कुछ ऐसी एप्लीकेशन के ज़रिए जो आप इस्तेमाल भी नहीं करते लेकिन वो आपका बैकग्राउंड में इंटरनेट उनकी वजह से ज़ाया हो रहा होता है, उनकी वजह से वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपने 10 GB का या कुछ 1 GB का इंटरनेट का कुछ पैकेज वगैरह किया होता है या इसके अलावा कुछ ऐसी पैकेजेस हैं जैसा कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री चलता है जायज़ के नंबर पे, तो वो आप व्हाट्सएप पैकेज करते हैं वो आप यूज़ करते हैं, तो इसके अलावा अगर आपका इंटरनेट वहाँ पे साथ चल रहा होता है तो उसमें आप अगर जितना भी बैलेंस वगैरह डालते हैं तो वो फजूल में आपका बैलेंस कट जाता है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने मोबाइल का जो इंटरनेट डेटा है वो आप सेव कर सकते हैं, अपने मोबाइल का बैलेंस सेव कर सकते हैं, आपका बैलेंस फजूल में नहीं कटेगा। आप वो फजूल की जितनी भी एप्लीकेशन है जो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई हैं जिनकी वजह से आपका इंटरनेट का जो डेटा है वो ज़ाया होता है, आपका बैलेंस ज़ाया होता है, आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल पर इंटरनेट नहीं चलेगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ जिनसे आपको यकीनन बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए और वहाँ पर आप टाइप कीजिए इंटरनेट गॉड। जैसे ही आप इंटरनेट गॉड जो टाइप करेंगे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने टाइप किया हुआ है इंटरनेट गॉड, इसके बाद हम इसको सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये पहले वाली एप्लीकेशन है 4.4 इसकी रेटिंग है, ये वाला इसका इंटरफेस आप देख लें तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। आप देख सकते हैं 10,000 लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, 4.4 इसकी रेटिंग है, 2 MB के तकरीबन ये एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, मैं इसको ओपन करके आपको इसकी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इसका इंटरफेस होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी मोबाइल की जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आप यहाँ ऊपर से पहले इसको ऑन कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन कॉर्नर पे आपको शो हो रहा है, इसको जैसे ही आप करेंगे ये रेड ऐसा हो जाएगा, इसके बाद आपके जितनी भी एप्लीकेशन है आपके मोबाइल की वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप अपने मोबाइल में देख लीजिए कि आप जो भी एप्लीकेशन है जो आप यूज़ नहीं करते तो आप उसको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये साइड के दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाईफाई वाला भी है और ये आपके अगर सिम पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो अगर आप किसी भी ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप सिम पे किसी भी चीज़ को चलाना चाहते हैं तो आप उसको सिम पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप वाईफाई पे चलाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ये जितनी एप्लीकेशन है वो खाली वाईफाई पे चलें तो आप वाईफाई पे सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरों को जो है वो यहाँ से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि अभी ये वाला ये जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्रोम है, क्रोम को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सेम पे ना चले खाली वाईफाई पे चले, तो मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा। जैसा ये सेम वाला आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये निशान सा लग गया है ब्लॉक वाला, तो ये भी जो सेम पे नहीं चलेगी खाली वाईफाई पे क्लिक चलेगी। तो अगर हम वाईफाई पे इसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो इसको भी हम ऐसा प्रेस कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं रेड सा निशान हो गया। अभी ये गूगल क्रोम जो है ना वाईफाई पे चलेगा और ना ही हमारे सिम पे चलेगा। तो इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी के साथ जो आप देख सकते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा पैकेज वगैरह लगाया है जो 1 GB का या 10 GB का पैकेज है आप सिम इस्तेमाल करते हैं तो आप इन सारी एप्लीकेशन को यहाँ से जो है ब्लॉक कर सकते हैं, फिर आपके नंबर आपके सिम पे वो एप्लीकेशन नहीं चलेंगी, आपका इंटरनेट जो फजूल में वो उनकी वजह से वेस्ट नहीं होगा, तो आप अपने इंटरनेट का डेटा सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका बैलेंस भी ऐसे फजूल में कटता है
तो वो भी आप इस एप्लीकेशन की वजह से आप सेव कर सकते हैं। आप जो भी आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, या आप खाली किसी आप चाहते हैं कि वाईफाई पे वो चलें सिम पे ना चलें, तो आप उनको यहाँ से ऐसा ये सब को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने उनको ब्लॉक कर दिए, ये भी सिम जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरे इस पे सिम पे नहीं चलेंगी, खाली वाईफाई पे चलेंगी। तो इस तरह आप हर किसी को ऐसी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने गूगल क्रोम जो है ब्लॉक की हुई है, मैंने वाईफाई भी ब्लॉक की हुई और इसके अलावा सिम पे भी ब्लॉक हुई है, तो हम देखते हैं ये काम करती है कि नहीं। तो हम वापस चलते हैं, मैं गूगल क्रोम आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी गूगल क्रोम ओपन की है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसा कि यूट्यूब को यूट्यूब लिखता हूँ, जैसा कि यूट्यूब है उसको मैं सर्च करता हूँ पहले ओपन होती है कि नहीं होती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने उसको सर्च किया लेकिन वो यूट्यूब ओपन नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ से डेटा उसका ब्लॉक है। आप देख सकते हैं इस तरह फ्रेंड्स किसी भी एप्लीकेशन जो है बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर सकते हैं और अपने इंटरनेट का डेटा और अपना बैलेंस जो फजूल में आपका कटता है उसको आप बचा सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ जिनसे आपको यकीनन बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान से।